न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देवियों सज्जनों नमस्कार। आज आठवां दिन है लॉकडाउन का। भारत में किसान खेतों में है अपनी फसल काटने के लिए। किसानों ने सरसों की कटाई 100% कर चुके हैं। 10 अप्रैल से भी गेहूं की कटाई शुरू होगी, 25 अप्रैल तक वो पूरा कर लेंगे, लेकिन सरसों तब तक नहीं निकाल पाएंगे कर, क्योंकि मजदूर जो बिहार के एमपी के आते थे वो सब लोग पलायन कर गए हैं कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण। अब जो पंजाब से मशीनें आती थी गेहूं काटने के लिए, पहले कटाई करने के लिए फिर उसका निकालने के लिए, वो भी इस बार नहीं पा पाएंगे क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर बंद कर रखे हैं भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के हुक्म के अनुसार। अब दिक्कत इनके पास में पैसे की भी है। पैसा कहाँ से लाएंगे ये? अगर सरसों में ही बिकी तो गेहूं की कटाई का पैसा कहाँ से देंगे, निकालने का पैसा कहाँ से देंगे? किसानों के पास में इस समय तंगी का माहौल रहता है क्योंकि साल का अंत है, ये मई के महीने में उनके पास पैसे आने शुरू होते हैं। सरकार जल्द से जल्द इनके अकाउंट में 5,000 रुपये डलवाए ताकि ये उससे अपनी फसल कटवाने का, निकालने का, मंडी तक ले जाने का खर्चा कर सके। एक एकड़ पे लगभग 4,500 से 5,000 रुपये खर्चा आता है एक एकड़ की फसल को मंडी तक पहुंचाने में, कटाई करके निकालने के बाद में 5,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले सरकार के पास में सभी किसानों के अकाउंट में। पिछले साल जो खरीद की थी अनाज की, वो पैसा भी अकाउंट के थ्रू आया था। हैफेड, नैफेड और एफसीआई के पास में पूरे उनके अकाउंट नंबर हैं। अब मैं बात करूंगा बारदाना। उनके पास में बोरियां भी नहीं है आज के दिन। पहले सरसों बेच करके वही बोरियां, वही पैकिंग मटेरियल गेहूं के लिए यूज करते थे, अब वो नहीं है उनके पास में। इनको सरसों भी खेत में पड़ी है, दोनों का एक साथ कटाई और निकालना शुरू होगा। मंडियां भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही कम हैं, अगर हम कंपेयर करें बगल के जिलों से। पहला महेंद्रगढ़ में 6 मंडियां हैं, झज्जर में 8 है, भिवानी में 11। भिवानी में आपको ताज्जुब होगा केवल 3 मंडियां हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सरकार ने पिछले 5 साल में जब हम निवेदन करते आए अभी तक इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया। पिछली बार 5-5 दिन किसान कोसली की मंडी में खड़े रहे लाइन लगाकर अपना अनाज को बेचने के लिए। हमने प्रपोजल दिया था पालावास, जाटूसाना, सीहा, मणिथी, इनमें जल्द से जल्द मंडी शुरू करा ली, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब भी समय है सरकार के पास, अगर वो चाहते हैं कि ये संक्रमण लोग इकट्ठा होने का मौका ना दे किसानों को मंडियों में, तो बहुत जरूरी है इन चारों जगह मंडियों का स्टाफ अपॉइंट करे और खरीद शुरू करा दे। जाटूसाना में, पालावास में ऑलरेडी थड़े बने हुए हैं, केवल स्टाफ को नियुक्ति करनी है। कोशिश करे सरसों किसानों के खेतों से ही खरीदे, किसानों का इंश्योरेंस भी कराएं, गैस वाले, हॉस्पिटल वाले, पुलिस वाले सबके लिए 5-5 लाख रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने उनका बीमा कराने का। किसान भी अन्नदाता है, 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है, अनाज कमाता है, कि जोखिम उठा रहा है आज वो मंडी में सामान ले जाएगा बेचने के लिए, वो भी जोखिम होगा, वहाँ भीड़ होगी ही होगी। मेरा निवेदन है सभी से, सभी सरकारों से, कि उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये डलवाए, 5 लाख का इंश्योरेंस कराए। आप सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि ताश और हुक्का एक जगह बैठ के पीना बंद कर दें, हाथ बार बार धोएं, अगर जरूरत नहीं तो घर से बाहर ना निकलें। अगर तकलीफ होती है, खांसी छींक आती है, बुखार होता है, तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में दिखाएं। ये मेरा निवेदन है आप सभी से। जय हिंद।